नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों द्वारा जनता का आभार व्यक्त किया जा रहा है। नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रक्षंदा जबी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पागबड़ा से आम आदमी के मोहम्मद याकूब ने जीत दर्ज करते हुए पागबड़ा में विकास की विचारधारा को गति देने का काम किया है। जीत दर्ज करने के बाद नगर पंचायत पागबड़ा और भोजपुर धर्मपुर के विजेताओं ने जनता को खुशामदीद कहा और जनता का शुक्रिया भी अदा किया। अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उसे जल्द ही पूरा करने का समय आ गया है। हर घर तक सरकार की योजना पहुंचेगी और सरकार की प्रत्यक्ष योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर हार और जीत का आंकड़ा पूरा हो जाने के बाद प्रत्याशियों द्वारा अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया गया है, तो वहीं विकास कराने की बात भी कही गई है। सबसे पहले मैं पागबड़े की आवाम को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। पूरी पागबड़े की आवाम का मैं आभारी हूँ और एहसानमंद हूँ कि इन लोगों ने मुझे भारी मतों से जिताया और बड़े प्यार के साथ मुझे वोट दिया। जो मैंने लोगों के बीच काम किया उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ा मेरा मान सम्मान रखा और मैं पहली बार इस चुनाव में आया और पहली बार में इस तरह से मुझे विजयी बना करके आवाम ने ये जिता बता दिया कि पागबड़े के अंदर अगर किसी की ज़रूरत है तो एक काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो सेवा का भाव रखता हो, खिदमत करना चाहता हो और वो खिदमत दिल से करना चाहता हो। इसलिए मुझे वोट मिला, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एहसान वोटों से जीते हैं? मैं 480 वोटों से जीता हूँ और टोटल वोट हमारा है 4800। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? कंजेट का परकंदा जी, भाजपा जनता भारतीय जनता पार्टी से। रिजल्ट 4000 से लगभग जीते हैं, जितने हारने वालों को भी नहीं मिले उससे ज्यादा से जीते हैं। क्या बोलना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे और सब लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ सोच रखा हो अपने क्षेत्र के लिए आपने? बहुत कुछ सोच रखा, ये वक्त आने में बताऊंगा। वही नगर पंचायत पागबड़ा और भोजपुर धर्मपुर के अलग अलग वार्डो से जीत दर्ज करने वाले सभासद पद के उम्मीदवारों ने अपनी बात को बताते हुए कहा, वार्ड नंबर 8 से हमारा बहुत बढ़िया, हमारे लोगों ने बहुत साथ दिया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने हमें कमी, जो हमारे वार्ड में काम है वो काम हमें कराना है, अपने वार्ड में विकास कराना है। हमें ये नहीं है बिल्कुल पैसा मिल जाए हमें, ऐसा कुछ नहीं, हमें काम कराना है अपने वार्ड में। जनता ने वोट दिया और जनता का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। वार्ड नंबर 7 शनिवार को पागबड़ा सफर बहुत बढ़िया रहा, लोगों ने बहुत साथ दिया, लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि जनता ने मुझे सोच समझ कर चुना है, जनता के हर वर्ग का सम्मान करता हूँ और जनता के हर गाँव में हर सदैव तत्पर रहूंगा। अच्छा लग रहा है कि एक मुद्दत के बाद में मेहनत का फल मिला है। देखिए कमियाँ बहुत हैं, ऐसा मान लो कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने वार्ड में। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपने वार्ड को चमन बना कर रहूँगा। जनता से ये कहना है कि कोई भी, जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है किसी भी टाइम मेरे पास आओ, मैं हर आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वार्ड है आपका और कितने वोटों से जीते हैं आप? माता वाली मिलक लगभग 16 वोटों से जीते हैं, वार्ड 13 है। कैसा रहा यहाँ तक का सफर? बहुत ही संघर्ष रहा है। क्या है आगे कैसे देखेंगे वार्ड को, क्या कराएंगे नया कुछ क्या कराएंगे? नया बस वार्ड की अच्छाई के बारे में ही सोचेंगे और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जनता ने वोट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया रहा, जनता ने भरपूर सहयोग करा और कुछ वोट कैंसिल रहे जो लगभग उसकी वजह से कुछ समस्या पैदा हुई और याकूब भाई चुनाव जीत गए हमारे से, बहुत अच्छी बात है। हम उन्हें बधाई भी देते हैं और जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं जो इतने मजबूत वोट देकर हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे भी ये प्रक्रिया जारी? हाँ, जनता का सहयोग करेंगे, जनता के साथ रहेंगे। मैं वार्ड 14 से हूँ। कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव अच्छा रहा है, वार्ड की जनता ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या सोचा है? उम्मीद करूँगा कि वार्ड की समस्त जनता को मैं हमेशा उनके काम में आऊँ और उनका हमेशा साथ दूँ। 8-10 से मैं प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी से और सफर काफ़ी लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, सभी लोगों ने, सभी धर्मों ने, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर मेरा बहुत अच्छे से समर्थन किया और उनकी बदौलत आज मुझे जीत मिली है। आने वाले दिनों में कैसा बदलाव करने जा रहे हैं अपने पार्टी?
मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी सरकारी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी हो वो सारी उन लोगों तक पहुंचे, और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं साफ़ सफाई जिसकी पहले बहुत ज़्यादा परेशानी रही है लोगों को, तो वो चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों का जितने मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए कर सकूँ वो मैं करूँ।